नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ भरवां लाल मिर्च का अचार शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए देखते हैं मिर्च का अचार हमने किस तरह से तैयार किया है। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने मिर्ची ले ली है, इनको धोकर साफ करके इनके बीच में कट लगा लिया है सभी मिर्चों के अंदर। और ये मैंने मसाले ले लिए हैं, सौंफ, राई, धनिया और ये मेथी। और ये मिक्स मसाला है, बाज़ार से आता है, क्योंकि ये मिर्च थोड़ी कम तीखी हैं इसीलिए मैं ये मसाला भी इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम अपने सारे मसालों को एक फ्राई पैन में डालकर इनको हल्का सा सेक लेंगे और फिर बाद में मिक्सी में से पीस लेंगे। सेकने से इनमें जितना भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। हमको ये ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ एक मिनट के लिए ही करेंगे इसको। ये हो चुके हैं, इनमें से अच्छे से खुशबू आने लग रही है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और इसको अब पीस लूंगी मसाले को। मसाला मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस तरह का हमें मसाला रखना है अपना। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि वो वाली मिर्च में तीखापन बहुत कम होता है। नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। इनको मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। दो तीन चम्मच जितना भी इसमें मिले मसाले को हम मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर अच्छी तरह से। और इसमें एक चुटकी हींग पाउडर डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा ये रेडीमेड मसाला है, क्योंकि लाल मिर्चों में तीखापन थोड़ा कम होता है और इसमें ज़्यादा चटपटा हो जाएगा ये इनके साथ मिक्स होने के बाद। तो ये भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी मिक्स थोड़ी सी और चटपटी जायकेदार बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सभी मिर्चों को भरकर तैयार करके रख लिया है। अब मैं इसे एक डिब्बे के अंदर डालकर तेल को गर्म करके ठंडा करके इसके अंदर डाल दूंगी, जिससे मिर्च सालों साल ख़राब नहीं होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।